हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है प्रोपोर्शंस। उस प्रोपोर्शन के बेस पे हम कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के हम तरीके जानेंगे, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे बोल देता है कि 5 मैन किसी काम को 10 डे में करते हैं, तो 2 मैन कितने दिन में करेंगे। इनको हम प्रोपोर्शंस के हेल्प से इजिली सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट चीज़, अगर आपसे ये पूछ देता है कि अगर एक पेन का दाम 10 रुपीज़ है तो 12 डजन्स पेन का दाम कितना होगा, उनको भी हम प्रोपोर्शंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका एक टॉपिक है प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर मान लो कि 2 रेशियो दिया है, कहीं एक रेशियो ए रेशियो बी है, फिर सेकेंड रेशियो सी रेशियो डी है, ठीक है। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, तो इनका मतलब ये आपस में प्रोपोर्शंस में है। क्या है? प्रोपोर्शंस में है, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, दैट ठीक है, प्रोपोर्शंस में है। इनको याद रखिए, प्रोपोर्शन का सिंबल ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। तो जब भी दो रेशियो, रेशियो किसके बीच में होता है आपको जानकारी होगी, रेशियो उन्हीं के बीच में होता है जो सेम टाइप के लोग होते हैं। सेम टाइप का मतलब, अगर मैं बोल दूँ आपके पास 7 मीटर है और आपके पास 8 ग्राम है, तो क्या रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये मीटर है, लेंथ की चीज़ है, ये ग्राम है, ग्राम मास की चीज़ है, तो इनके बीच में रेशियो नहीं बनेगा। तो रेशियो किसके बीच में बनेगा? 8 मीटर और मैं बोल दूँ 6 किमी, तब बन सकता है, क्योंकि आप इस किमी को मीटर में बदल सकते हो, 6000 मीटर, ठीक है। तो सेम नेचर या सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ही बनता है, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। ऊपर मीटर तो नीचे भी मीटर हम बना सकते हैं भाई, ठीक है। अब कोई बोल दे 5 फुट और 6 इंच के बीच में बनेगा, तो बनेगा भाई, क्योंकि फुट लेंथ ही वाला चीज़ है, जिसको फुट को हम इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए रेशियो किससे बनता है। अब बात आती है प्रोपोर्शंस को अगर प्रैक्टिकली समझना है तो हम कैसे समझेंगे। तो अगर मैं बोल दूँ आपसे कि कैट है, बिल्ली है, उस बिल्ली का हेड है जो 5 मीटर है, ठीक है, और उसका पूरा ऐसे शरीर 10 मीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और बिल्ली है जिसका हेड 6 मीटर है और ये पूरे शरीर का लेंथ 12 मीटर है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या ये प्रोपोर्शंस में है? तो ये प्रोपोर्शंस में है, क्योंकि देखो, अगर मैं हेड रेशियो पूरे बॉडी का लेंथ बोलूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1:2 होगा, और इसका भी मैं बोल दूँ तो क्या, 1:2, यानी ये प्रोपोर्शंस में है। तो दो व्यक्तियों के बीच में भी हम प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शंस हम अपने ऑब्जेक्ट्स, जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, उनके बीच में भी हम प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने चेयर लिया है तो चेयर में आप उनकी पूरी लंबाई देख लो, कितना चेयर का है हाइट ग्राउंड से, उसके बाद कितने में फैला हुआ है, फिर किसी दूसरे चेयर को कंपेयर करो जिसका हाइट कुछ अलग हो और ब्रिथ कुछ अलग हो, लेकिन उनका रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो प्रोपोर्शंस हमारे रियल लाइफ में भी हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि प्रोपोर्शन जब हमने समझ लिया तो इसका क्या यूज़ है। तो इसका यूज़ ये है कि आप जानते हो, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग ये है कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अगर मेरे पास एक कैट का दाम 5 रुपीज़ है, तो 5 कैट का दाम कितना होगा, यानी 5 बिल्ली का, तो आपका आंसर होगा 25। लेकिन एक 25 आया कैसे? क्योंकि आपने सेंस किया ना कि अगर मैं इधर कैट बढ़ा रहा हूँ, यानी इधर नंबर ऑफ कैट बढ़ा रहा हूँ, तो रुपये भी बढ़ेगा। तो पहले आपको सबसे सेंस करना होगा कि जो चीज़ इधर हो रही है, यानी इधर ये घटना बढ़ने वाली हो रही है, तो इधर भी ये घटना घटेगी। यानी जो काम इधर हुआ, इधर नीचे आते समय बढ़ा, तो इधर भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब थोड़ा दूसरा कुछ सोचते हैं कि अगर मैं बोल दूँ कि 2 पेन का दाम, 12 पेन का दाम 60 रुपीज़ है, तो 4 पेन का दाम कितना होगा, तो आपको सेंस होगा भाई पेन कम हो रहा है, तो रुपये भी अब क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आप यहाँ पर देखो कि हम नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कम होता जा रहा है। 12 से 4 हुआ, तो फिर मैं यहाँ भी आऊँगा तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको सेंस हो रहा होगा। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ें नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगा। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो गया। यानी ऐसे क्वेश्चंस को हम ये बोलते हैं कि अगर इधर वाली चीज़ घट रही है तो ये भी चीज़ क्या होगा, घटेगा। अगर इधर वाला चीज़ बढ़ रहा है तो ये भी चीज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि घट कौन रहा है और बढ़ कौन रहा है। आपको बताऊँगा कैसे आप प्रोपोर्शंस के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो चीज़ दी हुई है, जैसे मैं बोला कि 12 डजन मैंगो का दाम 180 रुपीज़ है, तो आपसे पूछा क्या है, 5 डजन का दाम बताइए, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? तो आप प्रोपोर्शन में जानते हो कि एक रेशियो यहाँ पे होता है, फिर प्रोपोर्शन, फिर एक दूसरा रेशियो यहाँ पर, ठीक है, यही होता था।
यानी दो रेशियो आपस में इक्वल होते थे। तो आप क्या करना है, जो इधर की चीज़ें एक टाइप की चीज़ कर देना। एक टाइप मतलब अगर आप इधर मैंगो ले रहे हो और इधर उसका रुपया ले रहे हो, यानी नंबर ऑफ मैंगो इधर, तो पहली बार कितना डजन था, 12 डजन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 डजन का, ठीक है। तो डजन डजन चीज़ें एक साइड और रुपए वाली चीज़ें एक साइड, तो 180 रुपये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, एक्स ही होगा ना भाई, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें हैं यानी कितना डजन है, यानी एक टाइप की चीज़ें एक जगह, इधर एक टाइप, डजन डजन, रुपए रुपए, जो भी होता है एक टाइप का इधर, फिन एक टाइप का इधर। लेकिन आप अगर यहाँ पर 12 डजन है तो 180 से मैच हुआ है ना, तो शुरुआत में आपको 180 लिखना पड़ेगा, ठीक है, भी याद रखना है। फिर 5 डजन का नहीं मालूम है तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्लेस पे। अब सॉल्व करना आता है, ये 12/5 इज इक्वल टू 180/x, एक्स निकालना है तो एक्स को ऊपर भेज दो, इनको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो 180 × 5/12, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 75 रुपीज़, ठीक है। तो ये बातें आप समझ सकते हो कि आप अगर 5 डजन लोगे तो कितना लगेगा, 75। आपके पास बहुत तरीके होंगे, आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें समझना था, ठीक है। तो ऐसे के बेस पे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम यूज कब करेंगे, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल दूँ कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 पीपल हैं जो कि 20 डे में काम को कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए 5 पीपल होंगे तो कितने दिन में करेंगे, सॉरी 4 पीपल कितने दिन में करेंगे, तो आप एक आइडिया लगाओ, काम वही है भाई, काम में चेंज नहीं हुआ है। 10 लोग 20 दिन में कर रहे हैं, तो अगर 4 लोग होंगे तो टाइम बढ़ेगा ना, क्योंकि 4 लोग हैं भाई, तो 4 लोग होने का मतलब क्या है, काम तो वही है ना, अब ईटा तो कम करने गए नहीं हो, तो काम वही है, तो काम वही है उसका मतलब टाइम ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी नीचे आते इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन इधर आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। यानी हमने तो इधर घटाया, लेकिन एक्चुअल में इधर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आंसर क्या आएगा, इंक्रीज होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कौन चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगी, कौन चीज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगी, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे सेंस करेंगे, अगर मान लो बोल देता है कि 10 लोग 20 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 लोग 20 दिन में, तो 4 लोग वही काम है, काम में चेंजेस नहीं है, तो भाई 4 लोग हैं तो धीरे धीरे काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, यानी 20 दिन से अधिक टाइम लेंगे, तो कहाँ होगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। आप इधर चीज़ें तो घटा रहे हो, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ से अपने घर ही जाना है, ठीक है, मान लो स्कूल से घर जाना है, तो अगर मैं 5 किमी पर आवर की स्पीड से चलता हूँ, ठीक है, तो जो मुझे टाइम लगता है वो 2 आवर्स होता है। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दिया, यानी 10 किमी कर दिया, ठीक है, 10 किमी कर दिया, तो टाइम मुझे क्या लगेगा, कम ही लगेगा ना, क्योंकि आपको सेंस होगा भाई मुझे वही जाना है, मैंने तो उसी घर पर जाना है जहाँ से स्कूल से मैंने स्टार्ट किया था, तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आवर कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो चीज़ें बढ़ा रहे हो आप, यानी 5 से 10 कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको सेंस हो गया होगा कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में वही चीज़ें आएंगी, जब इधर कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं तो उधर क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर इधर बढ़ता तो उधर घटता, तो ये सब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजिली, तो चलिए हम देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ये जानते हो कि 4 ऐसे होते हैं लोग, ठीक है, बातें क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम टाइप की चीज़ें, सेम टाइप मतलब अभी मैंने बताया था, लेकिन अगर आप मान लो कि ये वाला एग्जांपल है, 6 पीपल 27 डेज, तो 8 पीपल कितने दें काम करेंगे, एक काम है कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सेंस हो गया कि भाई लोग बढ़ रहे हैं तो डे क्या होगा, कम होगा, यानी मैं लोगों को बढ़ा रहा हूँ लेकिन डे मेरा कम आता जा रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर दोनों जगह बढ़ता तब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप पीपल लिखोगे, यहाँ पे तो डे लिखोगे सेम टाइप के, लेकिन अगर आप डायरेक्ट में क्या लिख देते, 6, 8, 27 एक्स ये नहीं मालूम है, अब क्या कर दोगे, डायरेक्ट में तो आप ऐसे लिख देते, लेकिन अब जैसे ही इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो आपको रिवर्स कर देना है, 8 x, बातें क्लियर, रिवर्स कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर लोगे, दैट इज योर आंसर। एक्स निकालना है तो एक्स इधर गया, 27 × 6/8, ठीक है, यानी 81/4, दैट मीन्स 22.5 डेज, ठीक है, 20.25 डेज, ठीक है। तो बातें क्लियर,
क्वेश्चंस पैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, बोले कि मैं 20 किमी पर आवर की स्पीड से किसी दूरी को जा रहा था, सर्टेन डिस्टेंस था, तो मैं 5 घंटे में पहुंचा। तो अगर मैंने स्पीड में चेंजेस लाया, मैंने स्पीड अपना 10 टाइम्स कर दिया, तो मैं कितने टाइम्स में पहुँचूँगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि भाई वही दूरी जाना है, डिस्टेंस तो फिक्स है, अब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस होगा, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप प्रोपोर्शंस के हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझ होना चाहिए कि भैया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जा रहा है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। बातें क्लियर। अगर क्वेश्चंस में ऐसे आ गया कि एक लड़का है, एक सर्टेन डिस्टेंस यानी फिक्स दूरी, पहले वो एक स्पीड से जाता है, वो स्पीड क्या थी, 8 किमी पर आवर, तो वो पहुँचता था, टाइम लेता था 4 आवर्स, ठीक है। अब वही बच्चा अपने स्पीड को 5 टाइम्स कर देता है, यानी 5 गुना कर देता है, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ पहला वाला स्पीड यानी 8 का कर देता है, 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो पता करिए कितना टाइम लगेगा, बस यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया भाई। वही दूरी है, सर्टेन डिस्टेंस जो दूरी था उसी दूरी को जा रहा है वो, सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो आप समझ गए कि भैया जब इसमें आप स्पीड बढ़ा रहे हो, यानी 5 टाइम्स आप फर्स्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब 40 किमी पर आवर कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा पर आवर, तो 40 किमी पर आवर करोगे तो मुझे तो टाइम कम लगेगा, मैं तो जल्दी चला जाऊँगा क्योंकि वही दूरी है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट होगा, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, स्पीड तो इधर लिखोगे और इधर क्या होगा प्रोपोर्शन में, इधर टाइम होगा लेकिन स्पीड का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, पहले 8 था बाद में 40, तो पहले 40 कर लेंगे फिर 8 और वहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आवर्स, फिर ये नहीं मालूम है तो क्या बोल देंगे एक्स है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, जानकारी होगी 40/8 4/x, ठीक है। एक्स निकालना है तो एक्स को ऊपर लेते जाओ, यानी 32/40 आवर्स, ठीक है, यानी 4/5 आवर्स, ठीक है। तो अब इसको मिनट में चेंज कर सकते हो आप, तो मिनट में चेंज करोगे तो क्या होगा 48 मिनट, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये पॉइंट समझना आपको ज़रूरी है, आप इन चीज़ों को अगर समझ जाते हो तो आप कोई चीज़ इजीली कर लोगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस के बहुत से तरीके होते हैं, एक ही तरीका नहीं है, आप अलग अलग तरीके से अपने माइंड को बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।